तो पहले एपिसोड में वो हमारा ब्रेक हुई थी, तो ये एपिसोड सेकेंड है। तो हेलो एवरीवन, तो हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है, कहाँ से होती है, डेड बॉडी से होंगी और कहाँ से होंगी, जितने भी लोग सब मरे पड़े अब तक से जिंदा है ना। आप इसमें एक बॉडी जो मर गया वापस जिंदा नहीं होगा, पहले बोलते रहा। तो हमारे शुरुआत होती है एपिसोड की, हर तो भाई साहब जो आदमी वो बोल रहा था कि दीवार भगवानों ने बनाई हमारे रास्ते, तो उसकी पूजा करो, तो वो बोलते जा रहे हमने इसकी पूजा नहीं करी, इसलिए आज हमारी मौत पास आ चुकी है और बहुत सारे लोग मर रहे अभी। वो लोग जो टाइटर उन्हें पकड़ रहे हैं और मार रहे इंसानों को, और बहुत सारे इंसान भाग रहे हैं से, वो भागेंगे नहीं तो बस जॉम्बिस खाएंगे तो ऐसा, तो भागेंगे इतना लोग और सब भाग रहे हैं, सब अलग अलग खाए। तो जो आदमी बोल रहा था तो उसे एक टाइटर पकड़ लेता है और उसे भी खा जाता है और कभी खून हजा फूल जाता है। तो एरन को जो हार्मी से वो पकड़ के ले जाते हैं और बोलते हैं रोको तुम्हारे रुको, उसको मारने लगते गाल देने लगता है एरन, तो जो हार्मी से वो घुसे पटक देता है और बोलता है तुम उसको बचा सकते थे मेरी माँ को, तुमने बचाया क्यों नहीं। हार्मी का से जो एरन के पास आती है और वो उसको गाने देने लगता है और बाद में बोलते तुम उसको बचा सकते थे, और बोले तुम कमज़ोर ऐसे बोलते हैं और मैं भी कमज़ोर हूँ इसलिए मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया, और एरन जो खा गया तुम्हारी माँ को, और जो हार्मी से भी रोने लगता है। मैंने पहले बोल दिया लगभग मेरे ख्याल से, और एक्टिंग है, और एक्टिंग नहीं है। फिर और ज़्यादा डेड बॉय दिख रहे भी, लोग खा रहे टाइटन, लोगों को खा रहे लोग, उल्टा बोल दिया। तो ऐसा हो रहा, तो जो बोट है उसमें लड़की है मतलब औरतें और जो छोटे बच्चे हैं उसको भर के जो बोट में वो मारे वो रोस ले जा रहे हैं सबको, मतलब वो मारे के अंदर ले जा रहे हैं। ये वो मारे का सिलागंज डिस्ट्रिक्ट था, वो मारे नहीं थे, उसके सिलागंज डिस्ट्रिक्ट थी तो तबाह हो चुकी है, और जितने भी लोग उसको वो ले जा रहे हैं। और हमें एरन दिख रहता है मतलब, और सब बताते हैं तुम्हें क्या करना है अभी, और जो एरन अरमिन दिखाया जाता है और वो बोलता है मेरे दोस्त नहीं दिख रहे, उसके जो दादाजी है उसके बाजू में बैठे, बोल तुम बैठ जाओ। तो जो एरन दिखता है तो अरमिन हंस कर जाता है, पर जो एरन है उसकी हालत ख़राब है, तो इसलिए उसको बोलता नहीं लगभग, वो बोलता है उसकी मुँह मर गई होंगी, और उसकी दादी चुप चुप बैठे बोलते तुम यहाँ बैठ जाओ। और जो टाइटन को मार रहे उनकी मिसाइलों से, पर मिसाइल उस पर कुछ काम नहीं कर रहे, जितने मार रहे उतने लोग ठीक हो जा रहे हैं और उनकी बैंड बज रही। तो जो हार्मी से वो लोग मतलब हार्मी से कुछ नहीं कर रहा, जो लोग बैठ रहे हैं उसके अंदर, ये दोनों बच्चे मतलब अरेना निकालते हैं इसलिए उनको अंदर बैठा जाता है, बच्चों की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, बच्चे एकदम बूढ़े उनको मतलब बैठा दे रहे पहले। हाँ वो बोलते हैं तुम ऐसा करो ऐसा करो, वो थोड़ा देते हैं और जान के रेडी हो जाते हैं उनकी बोट, हाँ उनकी बोट फुल हो जाती है एकदम फुल। तो लोग थोड़ा पागल अपना कर देते यहाँ पे भी, मतलब जो टाइटन पिक्चर देखा हो तुमने, उन लोगों ने टाइटनिक पिक्चर देखा वैसा पागल अपना कर रहे, लोग बोट पे कूद रहे। तो फिर जो टाइटनिक को खाए तक से बस जितने भी इंसान है सिगरानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसे, और ये सीरीज बहुत बेस्ट है, सच में बहुत बेस्ट है। तो बस भी जो लोग जो वोल मारिया गेट बंद कर रहे हैं कि जो गेट है उसमें टाइटन जा सकते हैं, उन्हें सिक्योरिटी हंसते और बोलता है जल्दी बंद करो, बंद जो बोलते मत बंद करो, तो जो हर मिशन पकड़ लेते दोनों लोग और फटाफट गेट बंद करते। बोलते बहुत सारे लोग बाकी जाने के तक से, तो जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं और फिर चल जाने लगते। तो जो एरन हालत बहुत ख़राब है, कितने तबाही देख के तक कोई भी, और फिर अचानक एक अलग ही टाइटन दिखता है जिसके आर्मर पहने लाए। फिर जो टाइटन जिसने आर्मर पहने लाए वो बोल मारे के दीवार से भागने लगता है मतलब एकदम फुल स्पीड में, और जितने सोल्जर उस पर कैनन चलने लगते हैं, जिसके जो बाजू में टाइटन वो उससे मर रहे हैं मतलब हालत ख़राब हो रही है, उस पर खरोज भी है जो टाइटन के अंदर, इसके नाम आर्मर टाइटन बोल सकते तुम इसे, उस पर आर्मर पहन लाए इसलिए वो नाम इसको फिर समझ लो। और फिर लोग उसे बचने की कोशिश करके भागते पीछे और वो दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है एकदम फुल फोर्स में, और उसकी एक सुपर हीरो लैंडिंग। तो मैं सीन खुद देख लो कितना जबरदस्त सीन था, इपेक सीन था ये, जैसे तोड़ा दीवार, खुद देख लो सीन। एरन लोग जितने उसे दूर से देखते हैं और एरन जो फर्टिल ऐसे लग रहा है मतलब बहुत दुख में एरन सदमे में एक तो ऐसे, और फिर वो जाने लगते हैं वहाँ से। और फिर जो वो आते हैं लोग आउट वोट्स रोज में से
तो जो राजा सब दिखाया जाता है, जो कलेक्टर समझ लो, तो आप एक फटाफट सीने भागते भागते आता है और बोलते सीना डिस्ट्रिक्ट बात से पहले बोलते बाद में कहते हैं सीना डिस्ट्रिक्ट टूट गई लिए। तो आप एक सीने भागते भागते आते हैं और बोलता है वॉल मारिया कि दीवार टूट चुकी है। तो आप अंदर से टाइटन आ रहे हैं अंदर, तो जिस उनके जो लोग बहुत फट जाती है और फिर वो टाइटन अंदर चले जाते हैं और तबाही देख के सब चौंक जाते हैं। जो आयरन तो भी सदमे में मेरे सब तबाही देख के और सब बोलते हैं आज हमारा अंत है, हमारा अंत है, और प्रार्थना करते तो भगवान से। फिर आयरन याद करता था कि मोम के साथ जितने भी याद करे थे उसने, उनके सीन थे मतलब जितने भी उसकी मोम के साथ वो सब दिखाया था, उसको इसमें टाइटन ने खा लिया था। पर पहले बोला टाइटन तुम लोग याद रखना बहुत कम आएगा आगे। और फिर हमें इसके बारे में याद करते हैं और लगता है मतलब बहुत दुखी आयरन हमारा, कि वो दुख रहना पड़ेगा। फिर अचानक गुस्से हो जाते हैं और फिर वो एकदम गुस्से में आके जाते हैं, बोलते हैं मैं बड़ा होकर सब कुछ जितने टाइम सबको मार डालूंगा, ये सब बोलता है। और तुमने कितना डिस्ट्रक्शन है इधर बोल मारिया ने। और फिर हमें जैसा जगह जाता मतलब जो एन के पापा है वो, और बोलते हैं तुम जिंदा हो तो अच्छे, तुम जिंदा हो तो अच्छे, सब बोलते जाते हैं। और फिर जो एरन है उसे बहुत अलग अलग सीन रहते हैं, बोलते ये ज़रूरी था, ये हमारे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर एक चैप दिखाई जाती है, एकदम पकड़े दिखाई जाते हैं, हाँ लाइट दिखाई जाती है, सब बहुत अलग अलग सीन दिखाई देते, पता नहीं चलता क्या है। तो मुझे समझे तुम्हें देख लो सीन क्या है। हमें घर में आ जाते हैं मतलब जितने भी लोग जो वर्ल्ड सीन आते हैं लोग हैप्पी मतलब बोल मारे लाने को निकल जाता है गलती दर से। फिर आप एरन आते हैं, बोलते तुम्हें क्या देखा, फिर तुम इतना बहुत अजीब लगे, तुम बोलते मैंने बहुत सा सीन देखा। और एरन के गले में जो चाबी थी, जो सीन के देखा वो चाबी थी एरन के गले के अंदर। और फिर अंदर देखते बाहर निकलते हैं तो जितने भी लोग सब खाना ले रहे हैं, और जो आर्मी ने वातावरण में खाना ले के बोलते मैंने बच्चा समझ के लोगों में 3 ब्रेड दे दिया, उसने बोले मेरे दोस्तों के आस्ते सब समझ के उन्होंने दे दिए 3 ब्रेड। और बहुत सारे लोग ने क्या खाना झगड़ रहे, खाना कम पड़ा उनके इसके आस्ते, बहुत सारे लोगों बच्चों को मिल रहा पर जो बड़े उनको नहीं मिल रहा खाना, इसलिए लड़ रहे। और आदमी बहुत खुश हो रहे देख के कि वो बहुत करप्ट है, इसलिए मिलिट्री फर्स्ट है। तो बोलते तुमने ट्रैक्टर देखा इसलिए तुम्हें पता नहीं हम लोग कैसे गुजर रही है। तो उसको मारता है, तो उससे एक जोरदार लात मारता है एरन को। और आर्मी में बोलते हैं कि मेरा दोस्त जब वो खाना नहीं खाता है तो बौखला जाता है एरन। और हाँ सब लोग देखते हैं और सोरे बोलते हैं, वो आदमी बोलते हैं मेरे पास बाद में खाना ले जाना थोड़ा बहुत हमारे दोस्त के आते हैं, जो थैंक यू बोल देता है हमारा आर्मी। और बाद में बोलता तुमने रोका क्यों, और बाद में एरन थोड़ा खराब चल रही। फिर बोलते मैं बहन तुम्हें खाना पड़ेगा तुम्हारा, तो बातें करने लगते हैं वो। और फिर ये थोड़ा कॉमेडी सीन था और ये सीन बहुत इपिक था। जो मिका से वो बोलती है तुम्हें जुआन ऐसा तुम जुआन कहाँ पड़ा तुम्हारा कम्युनिटी स्पॉट ऐसे बात करते लोग, पर निशाला तुम हसीहारे सीन देख के जो मिकासा है वो लेती है और जो ब्रेड थोड़ा आर्मी के हाथ से लेती है और डेक एरन के मुँह में घुसा देती है जाग के, और बोलते तुम्हें खाना पड़ेगा तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हें खाना पड़ेगा। बहुत इपिक सीन था ये सीन में दिखा नहीं, पर तुम समझ समझ लो अभी कितने इपिक सीन है ये। और फिर सब वो बोलते वो जितने वो बोलते हैं वो जितने भी आए थे उधर साइड से उनको खेती के मिलिट्री के अंदर काम पे लगाए थे उनको, बोले छोटे बुढ़े हों मिलिट्री के अंदर, अब बाकी जितने भी लोग हैं उनको बाद में स्कॉटर ज्वाइन करने भेज दिया। और फिर जो आर्मी के दादाजी वो भी गए थे पर उनकी डेथ हो गई, और बहुत सारे जितने भी लोग गए थे उनमें सब मारे गए, मैक्सिमम 10 लोग बचेंगे, 10-10% लोग बचेंगे जितने भी लोग गए थे उसके अंदर। और उनकी लाइफ झंडे समझ लो अभी। हाँ एरन रो आर्मिन रो रहा उसके दादाजी की याद में, और बोलते मैं आई के स्कॉट ढूंढ करूँगा स्कॉट रेजिमेंट। और बाद में सुबह हो जाती है, हाँ ये सब बातें चलते हो, बोलते मैं भी स्कॉट रेजिमेंट ढूंढ करूँगा ये सब बातें कर रहे, बट मैं कुछ काम नहीं है। और फिर हमारी सुबह हो जाती है स्कॉट रेजिमेंट की ट्रेनिंग क्लास से, जो है 840 का जो क्लास है मतलब स्कॉट रेजिमेंट का, उसके अंदर हमारे बेटो रेनल्ड इसको याद है दोनों कैरेक्टर को अर्मिन जवान में कासा बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल है। और फिर उनकी जो ट्रेनिंग करने से जो ऑफिसर दिला उनको जो सिखाएंगे उनको सब वो, और फाइनली एरिन लगभग ये बात को 2 साल हो चुके हैं, हाँ ट्रेनिंग 3 साल चलेंगी वो एयरपोर्ट ऐसा करके पूरा हो जाता है। तो वीडियो से लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मैं सोच रहा हूँ संडे को 2nd अपलोड कर दूंगा, और जितनी लाइक आते रहेंगे उतनी वीडियो।